सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिषाचार्यों ने इस ग्रहण को बहुत खास बताया है। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण बुध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के अलग अलग राशियों के ऊपर अच्छे और बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव हमारे देश पर जरूर पड़ेगा। हमारे देश पर यह ग्रहण 4 प्रकार से असर डालेगा। पहला, सरकार से चल रहा विवाद खत्म होगा। दूसरा, कोई धार्मिक वाद विवाद सुलझ सकता है। तीसरा, देश में प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इस साल 2 चंद्रग्रहण लगने वाले हैं। पहला 5 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा और ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को अश्विन चंद्र ग्रहण होगा और ये पूर्वी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 5 मई का चंद्र ग्रहण रात 8:45 के करीब शुरू होगा और ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण रात 1 बजे तक समाप्त होगा। अगर भारत में इसके प्रभाव की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अगर राशियों की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण बहुत ही अशुभ माना गया है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के जीवन में अशुभ प्रभाव लेकर आया है, तो कुछ राशियों के जीवन में शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण तुला राशि में लगेगा, जिसमें चंद्रमा केतु की युति बन रही है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। आपको मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ असर लेकर आया है। आपका मन अशांत रहेगा। परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी के भी बात में आने से बचें। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण सेहत पर बुरा असर डालेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में नया कदम बढ़ाने से बचें। आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण इसी राशि में लग रहा है। ऐसे में ग्रहण दोष के कारण तुला राशि के जातकों को नौकरी और परिवार में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। अब ऐसे में चंद्र ग्रहण के शुरू होने से खत्म होने तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कुल मिलाकर साल का पहला चंद्र ग्रहण जरूर उपछाया ग्रहण है, लेकिन इस दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है। डरने की नहीं।